आप सबका नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में स्वागत है। अमिया चंद्रा जी काफ़ी दिन से इस ट्रेड गेम में है, बहुत सालों से ट्रेड के गेम में है। जब मैं पहली बार इनसे मिला था 1995 में, उसके पहले का पता नहीं, तो 23 साल तो मुझे हो गया देखते हुए। उन्होंने आप और भी सरकार के काम के अलावा और भी काफ़ी काम किया, किताबें लिखी है। पिछले साल एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन हम किए थे यहाँ इंडो यूएस रिलेशनशिप ट्रंप के चुनाव के बाद, तो उस फुर्ती के साथ एनालिसिस देना, सो वी हैड ए वेरी लाइवली डिस्कशन। तो इसलिए जब ये किताब हुआ है तो हमने कहा ज़रूर यहीं करेंगे हम लोग ट्रेड गेम। सेंट्रल एशिया हमसे पास काफ़ी है और दूर भी बहुत है। दूर बहुत है क्योंकि आने जाने का जो ट्रेडिशनल रास्ता था भारत का सेंट्रल एशिया का, वो था आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए। तो अफगानिस्तान तो ठीक है, पाकिस्तान 1965 के युद्ध के बाद से वो रास्ता हमारा बंद हो गया है। सो देयरफॉर मैप पर तो बहुत ही पास है, फ्लाइंग टाइम भी कुछ नहीं है, दिल्ली से दुशांबे, दिल्ली से बिश्केक, परंतु आना जाना बहुत ही। एंड येट ये एरिया जो है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा इलाका एक तो एनर्जी पर बैठा हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स पहले से पता था, किर्गिस्तान ताजिकिस्तान में हाइड्रो पोटेंशियल, और अगर अल्टीमेट लैंड एक्सेस चाहिए हमें टू यूरोप, इट विल गो वाया सेंट्रल एशिया, जो हिस्टोरिकली रहा है। सिल्क रूट गलत कहते हैं, रूट्स था बहुत नेटवर्क से सेंट्रल एशिया के थ्रू थी, और सेंट्रल एशिया में 20 सालों में बहुत बदलाव आया, बहुत चेंज आया है। तो इसलिए इस मौके पर ऐसे किताब अगर आए हमारे सामने, द ट्रेड गेम एंगेजिंग विद सेंट्रल एशिया, तो मेरे ख्याल से हम सब के लिए इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट एजुकेशन। तो मैं अभी और समय आपका नहीं लूँगा, मैं अमिया जी को बोलता हूँ कि अपनी किताब के बारे में कुछ चर्चा करें। पहले कर दिया जाए, नहीं पहले चर्चा कर लो, पहले चर्चा कर लो, फिर विमोचन कर लेंगे, फिर अम्बेसडर अशोक मुखर्जी और प्रोफेसर शोरी से सुनेंगे हम।